इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। प्लीज सौभिक दास, आप आके हम लोग को थोड़ा बताइए फाइव स्टेप्स ऑफ सक्सेस क्या है, जो सीख के हम इस बिजनेस को और भी अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू शुभ्रदान मित्रा दी, मेरा नाम सौभिक दास है, फ्रॉम बालूरघाट। मैं मेरे वाइफ रूपा के साथ बिजनेस करता हूँ और मेरा अपलाइन है इस बिजनेस में प्लेटिनम गोइंग डायमंड सुशांत एंड सुचंदा घोष एंड मेंटर बाय नान अदर देन मनिकदा एंड गोपादी। आज मेरा जो टॉपिक है वो है फाइव स्टेप्स ऑफ सक्सेस। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो चार लाइन बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं आज जो शेयर करूंगा वो उसका सोर्स क्या है। सोर्स है एक्चुअली इतने दिनों से मैंने जो बिजनेस किया है, जितना भी मीटिंग मैंने अटेंड किया है और कुछ बुक्स वगैरह टेस्ट वगैरह सुन के जो मैंने सीखा है, ऑफलाइन से जो मैंने सीखा है वो सब कुछ मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस का जो मैंने काम किया है वो भी उसमें जुड़ जाएगा क्योंकि वो नेचुरल है, और मेरा कुछ खुद का रियलाइजेशन वो भी जुड़ जाएगा। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे मेरे क्रॉस लाइन है, अगर कोई भी लाइन मेरा अच्छा लगता है तो इम्प्लीमेंट करने से पहले काइंडली अपलाइंस एक्टिव गोइंग अपलाइंस से जरूर पूछ लीजिए। तो मैं स्क्रीन को तो एक मेरा एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि हमने बताया कि फाइव स्टेप्स ऑफ सक्सेस, तो इससे पता चलता है कि पांच स्टेप्स है सक्सेस के लिए। तो पांच पॉइंट है बेसिकली, तो जो वो क्या है, पहला जो पॉइंट है वो है ड्रीम, दूसरा है गोल, तीसरा है प्लानिंग, फिर बिलीव एंड देन एक्शन, क्योंकि विदाउट एक्शन तो कुछ हो नहीं सकता। और ये पांचों स्टेप को अगर किसी भी फील्ड में कोई भी सही तरीके से करेगा तो वो सक्सेस हो सकता है। इसके लिए कोई मैजिक, कोई जादू कुछ नहीं है, सिर्फ ये पांच स्टेप है किसी भी फील्ड में अपने आप को सक्सेस करने के लिए। सो बेसिकली ये जो हम लोगों का बिजनेस है इस फील्ड में भी वो एप्लीकेबल है। तो हम लोग अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये पांच स्टेप को अगर हम लोग सही तरीके से प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो इस बिजनेस में भी हम लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, इस पांच स्टेप को हम लोग थोड़ा एलाबोरेट करके देखते हैं क्या निकल के आता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है ड्रीम। तो ड्रीम में ये एक मजेदार चीज है, क्योंकि हर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबके पास ड्रीम और नीड्स तो है ही, सबके पास है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास ड्रीम या नीड नहीं होगा। क्यों, कोई ऐसा हो सकता है कि अगर आप अचानक जाकर के उनसे पूछो कि आपका ड्रीम क्या है तो वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उनका उतना शायद सेल्फ इमेज में कुछ प्रॉब्लम होगा, वो बोलने से डरता है। लेकिन हर किसी का ड्रीम या नीड ये तो होना ही है, मतलब है ही है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जिनके पास, सबके पास ड्रीम तो है लेकिन उस ड्रीम को और उस नीड को फिलअप करने के लिए, मतलब फुलफिल करने के लिए जो करना होता है ना काम, वो नहीं कर पाते हैं हम लोग। वहां पे कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो वो क्यों होता है, अभी उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम सबके दिमाग में दो फोर्सेस काम करता है। पहला फोर्स जो है वो है ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स क्या है कि ये इसको हम लोग दो तरह का होता है, एक डिजायर जो कि हम लोगों के बिजनेस में काम आता है, इसलिए मैंने सिर्फ डिजायर लिखा है, और कई कई जगह पे फेयर भी काम करता है, डर की वजह से भी हम लोग काम करते हैं। जैसे अभी चल रहा है ना गवर्नमेंट का दुआरे सरकार, तो जो लोग उसमें काम कर रहा है तो उसका तो मतलब बहुत उनको परेशानी फेस करना पड़ रहा है, लेकिन वो करने के लिए बाध्य है, मतलब वो बाई डर की वजह से वो काम कर रहा है, तो वो एक रहता है। और दूसरा जो है वो डिजायर जो है वो खुद से आता है, अंदर से आता है, करना है। और लेकिन दूसरा जो पार्ट है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, इसको हम कह सकते हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन। मतलब हम लोग कभी कभी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कभी कभार लगता है या चल रहा है, अगर मान लीजिए कि हम किसी की कोई नौकरी करते हैं, काम करके ऑफिस से घर आए, फिर निकलना है एसटीपी करने के लिए या प्रोडक्ट देने के लिए, कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है तो चल ही तो रहा है, क्या जरूरत है फिर से दोबारा काम करने की। तो मतलब ये जो कंफर्ट जोन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, दोनों तरफ से हम लोगों को खींचता है। और सिचुएशन क्या होता है कि किसी इस तरह से एक सिचुएशन आता है, दिमाग का एक पार्ट हम लोगों का जो डिजायर है, जो ड्रीम है, वो हम लोगों को बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन जो कंफर्ट जोन है वो हम लोगों को अंदर खींच लेता है। और इस वजह से ना क्या होता है, यहाँ पे एक टेंशन पॉइंट क्रिएट होता है, और जैसे ये क्रिएट होता है ना दिमाग का हो जाता है दही, हम लोग फिर आगे कुछ कर नहीं सकते, मतलब अपने आप को रोक लेते हैं कहीं ना कहीं, ये टेंशन पॉइंट क्रिएट हो जाता है। और
यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, हम लोगों को प्रॉपर अलाइनमेंट करना है इन दोनों फोर्सेस को। एक तो है जो डिजायर है और उसके साथ पहले तो जो कंफर्ट जोन है उसको अवॉइड करना चाहिए, और अवॉइड करते हुए जैसे जैसे हम लोग इसको बाइक को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो उसमें एक चीज होता है जो कंफर्ट जोन है ना वो दूसरी तरह हो जाता है। जैसे कि पहले क्या कंफर्ट जोन हो रहा था कि अच्छा आज तो बहुत ठंड है नहीं निकलेंगे घर से, वो कंफर्ट जोन होता है। लेकिन जो लोग लीडर होते हैं ना उनका कंफर्ट जोन कहीं और होता है। अगर वो एसटीपी नहीं करेगा तो वो लगता है यार आज कुछ हुआ नहीं है, तो उसका कंफर्ट जोन कुछ अलग हो जाएगा, उसका एसटीपी करना ही कंफर्ट जोन है। तो वो दोनों चीज को सेम अलाइनमेंट में ले आना बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से ये किसी भी ड्रीम को अचीव करने का फास्ट स्टेप होता है। इसके बाद ये मैं दो चीज में ऐड करना चाहूंगा, जो ड्रीम्स है ना हम लोगों का ड्रीम्स को इमोशनल, और एक वर्ड जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल ड्रीम नहीं होगा या हम इमोशनल ड्रीम नहीं होगा तो डिजायर सही तरीके से काम नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि मेरा बेटा है, छोटा बेटा है, तो उस बेटे को लेकर के या मेरे मामी डैडी को लेकर के अगर मैं कोई ड्रीम सेट करता हूँ तो अंदर से ना वो जो धक्का निकलेगा, मैं एक उदाहरण यहाँ पे देना चाहता हूँ। देखिए अंडा जो होता है वो अंदर की फोर्स से वो फटता है तो लाइफ होता है, और बाहर से अगर कोई फोर्स करता है तो क्या होता है, डेथ। तो वो इमोशनल ड्रीम अगर होगा ना तो बाहर से अंदर से वो धक्का आएगा और उसमें फिर रिजल्ट आएगा। देन राइट डाउन योर ड्रीम्स यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे वो टाइम की वजह से नहीं कवर किया। 3 V's होता है, ये 3 V's जो है तो इससे क्या होता है कि हमें हमारा जो ड्रीम है उसको हम लोग कंसीव करते हैं, हमारा जो दिमाग है ना दिमाग के अंदर इस ड्रीम को हम लोग कंसीव करते रहते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम ड्रीम को देखेंगे अपने आमने सामने और जितना ज्यादा बार लिखेंगे तो वो जो डिजायर है, जो फोर्स है ना ड्राइविंग फोर्स है, वो ज्यादा काम करेगा। सो ये ड्रीम। नेक्स्ट पार्ट जो है, एक्चुअली जो 5 स्टेप है वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, मैं छोटा छोटा करके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ही तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। जिस टॉक से मैं इसको प्रिपेयर किया है तो वो टॉक ही करीब 1 घंटे के ऊपर था, मुझे उतना टाइम तो यहाँ पे मिला नहीं है, थोड़ा काट करना पड़ेगा और थोड़ा छोटा छोटा करके बोलना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप जो है वो गोल। गोल क्या होता है, अभी ड्रीम तो हो गया, लेकिन ड्रीम अगर आप मेरे पास है मुझे एक गाड़ी चाहिए लेकिन कब चाहिए मुझे पता नहीं तो क्या फायदा। तो उस ड्रीम के साथ अगर डेट ऐड हो जाता है तो बनता है गोल। ठीक है, अभी ये गोल जो है इस गोल को 3 पार्ट में हम लोग देखते हैं। एक है शॉर्ट टर्म गोल जो कि 6 मंथ के अंदर हम लोगों को चाहिए, ऐसा कुछ ड्रीम होना चाहिए। दूसरा जो है वो मिड टर्म ड्रीम विद इन 3 इयर्स जो चाहिए वो हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पे रखेंगे। और जो थर्ड है वो है आफ्टर 3 इयर्स बिटवीन 5 इयर्स और 6 इयर्स जो हमें चाहिए, जहाँ जैसे मैंने बोला गाड़ी या फिर बंगलो हो गया तो वो इस लॉन्ग टर्म ड्रीम में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये जो 3 तरह की ड्रीम है, मतलब 3 टर्म की ड्रीम है, ये सिर्फ तीन ड्रीम नहीं होना चाहिए, मल्टीपल ड्रीम होना चाहिए हर एक टर्म में। और इसमें एक चीज का मैं मेंशन करना चाहूंगा, हम लोगों को अपने आप को टाइम टू टाइम रिवर्ड करना चाहिए, वो मैं आगे और एक लाइन पे बताऊंगा। अभी ये जो ड्रीम सॉरी गोल जो हम लोग सेट करेंगे ना, इस गोल को सेट करने से पहले जरूर आप लाइन के साथ डिस्कस कीजिए, आप लाइन के साथ बैठिए, बैठ के फिर अपना गोल सेट कीजिए। ड्रीम आप अपने आप सेट कीजिए, लेकिन गोल सेट करने से पहले जरूर अपने अपलाइन के साथ बैठिए। अपलाइन कौन, जो आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, उनके साथ बैठ के फिर अपना ड्रीम सेट कीजिए। नेक्स्ट जो है, जो आपका ड्रीम गोल है ना, उस गोल को आपको ब्रेक डाउन करना है वीकली और मंथली बेसिस पे। मान लीजिए कि आपको आपने ड्रीम सेट किया कि आपको गोल सेट किया कि आपको 6 महीने में BVI जाना है, तो उस BVI को आप 6 महीने की जो डेट है उसी पे मत रखिए, उसको पहले मंथली, फिर हर एक मंथ का जो आपने गोल बनाया उसको वीकली बेसिस पे ब्रेक डाउन कर लीजिए। छोटा छोटा ड्रीम होगा तो हमें काम करने में भी आसानी होगी, और अगर क्या होता है ना कि अगर हमें सामने का जो गोल है वो अगर दिख जाता है ना तो काम करने में मजा आ जाता है। क्योंकि अगर हमें सामने नहीं दिखेगा तो हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। जो अभी ये जो 5 स्टेप सक्सेस का है, ये 5 स्टेप जो है ना वो इंटरलिंक है, हर एक के साथ हर एक जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली मैंने बिलीफ का वर्ड जो है वो यहाँ पे बोल दिया, इसलिए मैंने ये लाइन बोला है, क्योंकि बिलीफ 4 स्टेप है लेकिन यहाँ पे भी बिलीफ आ गया क्योंकि हर एक इंटरलिंक है।
तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करके आपको मंथली और वीकली बेसिस पे करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, जो आपका आपने जो गोल बनाया आपके अपलाइन के साथ बैठ के, सेम गोल को आपके आपको चाहिए कि आप टीम के साथ भी डिस्कस करें और उस अकॉर्डिंग टीम जो भी टीम मेंबर्स है उनका भी गोल सेट कर दीजिए उस अकॉर्डिंगली। क्योंकि देखिए, अगर आपने गोल सेट किया है कि आपको 6 महीने में DBI जाना है, तो मतलब आपके साथ अगर टीम आपका स्ट्रक्चर अगर सही नहीं होगा, पता लगा कि आपका दो लेग बन गया लेकिन तीसरा जो लेग है वो राजी नहीं है बिजनेस करने के लिए, उसका गोल ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बनेंगे। तो आपके गोल के साथ आपकी टीम का जो गोल है वो भी अटैच होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी विजन 23 में चल रहे ना, विजन 23 हम लोग जो अपलाइन का ड्रीम है उनके ड्रीम के साथ हम लोगों का जो ड्रीम है हम लोग उसको अटैच कर लिए, ताकि हम लोग अपलाइन के साथ आगे बढ़ जाए। तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई बाइनरी थॉट्स दिमाग में होना नहीं चाहिए, हम लोगों का सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। अच्छा, आप जरा सोचिए, ये जो अभी सामने इलेक्शन है, तो मुझे इलेक्शन निकल रहा है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेज पे आकर के बोलेगा हम लोग जीतना चाहते हैं, नहीं भी जीतेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, तो कोई बंदा जाकर के उसको वोट देगा क्या? तो हम लोगों की जो दिमाग है ना, इसमें भी कोई बाइनरी थॉट्स नहीं होना चाहिए। तब अगर थॉट्स होगा तो हम लोगों का जो गोल है ना वो अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और उस पर फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट जो है प्लानिंग, अभी ये टेक्निकल पार्ट में हम लोग चले गए। अभी प्लानिंग क्या है ना, हम लोग जब प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने से पहले इस बिजनेस को लेकर के अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस बिजनेस को पहले हमें समझना चाहिए, हमें बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस कैसे काम करता है और ये बिजनेस है क्या। अगर इसको सही तरीके से हम लोग नहीं समझेंगे तो प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। और इस बिजनेस को समझने के लिए कौन हमें हेल्प कर सकता है, हेल्प कर सकता है हम लोगों का जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है वो हमें हेल्प कर सकता है, तो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखिए ये एक चीज है, बहुत क्या होता है ना कि हम लोग जब मतलब गोल सेट कर लेते और कई कोई सिचुएशन आ गया, कोई जो प्लानिंग हमने किया वो नहीं काम किया, तो इसीलिए इसको ये लाइन यहाँ पे ऐड किया गया है कि प्लानिंग में भी चेंज, वो चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, लेकिन आपका गोल जो है वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो प्लानिंग है ना वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अभी क्या है ना, आज से मतलब करीब 1 साल पहले आप लोग सोचिए, हम लोग कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हम लोग बिजनेस करेंगे। अगर आज COVID-19 का सिचुएशन नहीं आया होता तो आज हम लोग इकट्ठा किसी हॉल पे बैठे हुए होते और इस बिजनेस को मतलब इस मीटिंग को कर रहे होते। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन आ गया ना, हम लोगों का जो गोल था बिजनेस करना वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों का जो प्लान था फिजिकल से हम लोग डिजिटली आ गया। तो हम लोग प्लानिंग जो है वो चेंज करते रहेंगे, लेकिन हम लोगों का जो गोल है वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि आप जब प्लानिंग करेंगे ना, उस प्लानिंग करते वक्त आपका जो टीम है उस टीम को आपको एकदम क्लियर तरीके से एकदम साफ सुथरा आपको जानना चाहिए कि आपके टीम में कौन कितना प्लान शो कर रहा है, कौन कौन है जो डेमो कर सकता है, कौन कौन है जो आपको फॉलो कर रहा है, आपको डुप्लीकेट कर रहा है। तो इस आपकी टीम के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा, जितना ज्यादा आप अपने टीम को जानेंगे, उतना ही अच्छी तरीके से आप प्लान कर पाएंगे कि आप आगे कैसे अपने टीम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस है टीम वर्क। सो आप अपने आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, आपको आपका जो टीम है उनको लेकर के आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आपको आपका जो टीम है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जानना बहुत जरूरी है। और आपके जो टीम को जानने के लिए ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको इसीलिए रेड कलर में रखा गया है, LOS को कैसे देखा जाता है इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो हम लोगों को हर दिन ये जरूरत हो जाएगा कि कैसे हम लोग LOS देखे, LOS का कौन सा पार्ट हम जरूरी है कौन सा नहीं है, क्योंकि LOS को बहुत ज्यादा हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, और कौन कहाँ से कस्टमाइज करना है, कहाँ से जाकर के जो डेटा हमें चाहिए वो देखना है। तो नहीं तो फिर क्या होगा, कोई डेटा जरूरी हो गया अभी जानना है, लेकिन उसके लिए हमें तुरंत अपलाइन को फोन करना होगा, कहाँ से देखेंगे पूछेंगे, तो वो पहले से करके रखना जरूरी है। क्योंकि प्यास लगने, जब प्यास लगेगा तब अगर कुआं खोदने जाएंगे तो पानी कब पिएंगे, तो पहले से कुआं खोद के रखना चाहिए। हम लोगों का LOS जो है वो हम लोगों को कैसे देखना है वो सीखना ही जरूरी है बहुत। नेक्स्ट जो पार्ट है वो बिलीव। अभी देखिए बंगाली में या हिंदी में वर्ड तो एक ही है विश्वास, लेकिन इंग्लिश में ना दो वर्ड आता है, एक को कहते हैं बिलीव और दूसरे को कहते हैं फेथ। अभी ये दोनों चीज हमें इस बिजनेस में चाहिए। बिलीव क्या है, बिलीव है जो हम लोग देखते हैं, जो हमें पता है वो है बिलीव। जैसे
हम लोगों के पास दो हाथ है, तो ये हम लोग कोई आकर के बोलेगा कि यार सौभिक तेरे पास तो एक ही हाथ है दूसरा हाथ नहीं है, तो हम लोग क्या विश्वास करेंगे उसके बाप पे? क्योंकि हमें पता है हम लोगों के पास दो, मेरे पास दो हाथ है और मैं उसको बिलीव करता हूँ। और फेथ किसको कहते हैं? अनसीन बिलीव को फेथ कहते हैं, जैसे गॉड, उनको हमने कभी देखा नहीं है, अगर उनको बिलीव करते हैं तो वो फेथ कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है ना, बिलीव कहाँ पे काम करता है? बिलीव काम करता है ये पहले तीन पॉइंट पे, ये तीन पॉइंट पे काम करता है बिलीव। क्या है? एम्बे। देखिए अभी एम्बे ने जो पिछले 1959 से जो कारनामा सेट किया है ना दुनिया भर में 100 से ऊपर कंट्री में, उसको देखने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद अगर कोई बोलता है एम्बे के ऊपर बिलीव नहीं है तो बहुत सॉरी, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता। दूसरा जो है वो सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर क्या है कि देखिए 1970 से लेकर के करीब करीब 80 के ऊपर कंट्री में ये सिस्टम लाखों लोगों को सक्सेसफुल बना चुका है, लाखों लोगों को लाखपति बना चुका है, करोड़पति कईयों को बना चुका है। तो इसके ऊपर भी डाउट करना मतलब बेवकूफ वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो ऑफलाइन, अभी हम लोगों का ऑफलाइन मणिकरण गोपाल सरकार है, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि डायमंड हो सकते हैं बिजनेस में कोई, तो वो डायमंड चले गए हैं। तो वो कोई चीज अगर हम लोग आंखों के सामने देख लेते हैं तो उसके ऊपर डाउट करना तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वहां पर भी बिलीव आ जाता है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, ये मतलब अपने आपके ऊपर अगर हम लोग फेथ नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये क्या होता है, हम लोग कभी कभी लगता है क्या यार हम लोग बिजनेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जा करके प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए हम लोग जब पैदा हुए थे ना उस वक्त करीब करीब चार पांच चीज जो है ना वो परमात्मा ने हम लोगों को सिखा के भेजा था। जैसे ही पैदा हुए रोना सीख गया, उसके लिए हम लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ा, हमने रोना स्टार्ट कर दिया तो वो पहला स्टेप हो गया, वो सीख क्या है। सांस लेना वो भी उन्होंने मतलब सिखा के भेजा था, और क्या है ना आंखों का पलके झपकना वो सिखा के भेजा था, ये किसी से हम लोगों ने सीखा नहीं है। और वो पॉटी वगैरह करना तो वो भी सीख के आए थे ऊपर से, किसी ने नहीं सीखा। लेकिन इसके अलावा जो भी हम लोग अभी करते हैं ना, अब जरा सोच लीजिए, हम लोग एक जगह से चल के किसी दूसरे जगह पे जाते हैं, वॉक करते हैं, या फिर हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाता है, कोई कुछ करता है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी इस देश से बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हम लोगों ने तो सीख के नहीं आए थे ना, ये सब कुछ यहीं पे आगे सीखा हम लोगों ने। तो अगर हम लोगों का सीखने का एटीट्यूड होगा और अगर हम लोग इतना कुछ सीख सके है तो क्या इस छोटी सी बिजनेस को हम लोग नहीं सीख सकते? और ये तो इतना प्रेडिक्टेबल है, सिंपल सा पांच स्टेप कहा जा रहा है कि पांच स्टेप को फॉलो करो सक्सेसफुल हो जाओगे, तो इतना सा ही तो काम है, सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे फेथ होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज मैं और बोलूंगा, देखिए अभी तक तो मैंने बिलीव की बात किया, बिलीव और कॉन्फिडेंस, कोई काम के ऊपर अगर जो प्लानिंग हम लोगों ने किया है पिछले साइड में, अगर कुछ प्लानिंग किया है तो उसके ऊपर अगर हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसको कर पाएंगे तो आगे चल के नहीं कर पाएंगे, तो कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, बिलीव भी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, दैट इज क्लियरिटी। अगर आपके सामने जो विजन है, आपका विजन जो है, अगर वो क्लियर नहीं है ना, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल और जो आपका बिलीव है वो काम नहीं करेगा। अभी क्लियरिटी क्या है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जो लोग मतलब यहाँ पे नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, जो घर से निकल के हर रोज जहाँ पे जाते, अगर मैं आपको बोलूँ क्या आप कल अगर सुबह घर से निकलेंगे वहां पे जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ जरूर जा सकते, क्योंकि मैं तो हर रोज जाता ही हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। तो आप कॉन्फिडेंट है, आप जा सकते हैं, आपको पता है रास्ता क्या है। लेकिन अगर मैं आपकी आंखों में एक पट्टी बांध दूँ, या फिर आपके आंखों में वो डॉक्टर जो देता है ना आंखों की चेकअप करने से पहले एक ड्रॉप डाल दूं, जो जिसमें आपका विजन जो है वो थोड़ा धुंधला हो जाएगा, आप सही तरीके से देख नहीं पाओगे, उस सिचुएशन में क्या आप सही तरीके से जा सकते हो उसी जगह पे जहाँ पे जो आप हर रोज जाते हो? प्रॉब्लम हो सकता है, टेंशन हो जाएगा, शायद कहीं पे जा करके एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ। सो ये जो क्लियरिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो आपका बिलीफ सिस्टम और कॉन्फिडेंस कुछ काम नहीं करेगा। अभी क्लियरिटी कहाँ से आता है ना, आपका जो अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वही बिलीफ सिस्टम आपको कॉन्फिडेंट दे देगा। मैंने एक लाइन पिछले स्लाइड में ही बताया कि ये सारा चीज जो है ना इंटरलिंक, एक के साथ दूसरा लिंक है, तो हम किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, किसी को भी छोड़ नहीं सकते। तो आपको आपका जो बिलीफ सिस्टम है वही आपको कॉन्फिडेंट दे देगा, अगर आपका क्लियरिटी सही तरीके से, मतलब आप जो आप समझ रहे हो उसके ऊपर अगर आपका क्लियरिटी है। तो नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे तो बोल दिया कि बिलीफ सिस्टम और कॉन्फिडेंस विदाउट क्लियरिटी काम नहीं करता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर आपका फेथ, आपका बिलीफ अगर इनोसेंट है ना,
तो आपका जो ये अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी वाला पॉइंट है ना, ये ना होने से भी चलेगा, लेकिन ये थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। अगर आपका बिलीव सिस्टम एकदम इनोसेंट है तो वो कहां से होता है, मैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जाकर के आपको एक स्टोरी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। इनोसेंट बिलीव होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो एक्शन। एक्शन में क्या है, देखिए पिछला वाला जो पांच स्लाइड मैंने आपके साथ अभी चार स्लाइड जो मैंने डिस्कस किया, ये सारा चीज है ना वो प्रिपरेशन है, मतलब प्रिपरेशन है एक्शन के लिए। अगर हम लोग एक्शन सही तरीके से नहीं करेंगे तो कोई भी रिजल्ट सही तरीके से नहीं आता है। लेकिन एक्शन करने से पहले उसके लिए प्रिपरेशन जो चाहिए वो प्रिपरेशन हमें लेना पड़ेगा सही तरीके से, तब जाकर के हम लोगों का जो एक्शन है वो सही तरीके से हो पाएगा। एक्शन में क्या क्या आता है, फोर बेसिक्स जो हम लोग है वो फोर बेसिक्स आता है, और नाइन्थ स्टेप्स का कुछ पार्ट आता है। मैं अभी इसको लेकर के डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उतना टाइम तो है नहीं। तो ये दो पार्ट आता है एक्शन में। अभी इसमें मैं मेन पॉइंट जो है इसको ऐड करना चाहूंगा, ये क्या है कि ये जो हम लोगों का स्किल है, जो हम लोग काम करते हैं ना, जो फोर बेसिक्स और नाइन्थ स्टेप का जो पार्ट हम लोग एज ए एक्शन में काम करते हैं, उसको हमें डेवलप करना है। और सिर्फ डेवलप नहीं करना है, उसको डे बाय डे करते हुए, हर रोज उसको करते हुए उसको इम्प्रूव भी करना है, वो एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो है, हम लोग जो गोल सेट करते हैं, सिर्फ हम लोगों के कभी है ना सुकंत, तो उसका एक जाना माना तस्वीर है, ऐसे मतलब गाल के ऊपर हाथ रख के वो बैठा रहता है। उस तरह अगर हम लोग गोल के ऊपर फोकस करके बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों का गोल तो मिलने वाला है नहीं। हम लोगों के जो गोल है, गोल के ऊपर फोकस तो रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये हम लोगों को जो टोटल प्रोग्रेस है ना, ये गोल को जिन से लेकर के इस एक्शन प्लान में उसको अचीव करने का जो प्रोग्रेस है उसमें हमें मतलब इन्वॉल्व होना है, तभी जाकर के वो सही तरीके से सब कुछ हो पाएगा। लेकिन इन पांच स्टेप के अलावा जो मेन पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे जोड़ दिया है कि मेंटर। देखिए आप सबने तो कुरुक्षेत्र का नाम तो आपने सुन लिया है। कुरुक्षेत्र में पांडवाज और कौरव दोनों पक्ष थे, और दोनों के पास रीजन भी थे, दोनों के पास ड्रीम था, स्ट्रांग रीजन था। दोनों पांडव के पास बहुत उसका मतलब गोल वगैरह सब कुछ सेट था, डेट वगैरह सब कुछ था, कब वॉर होने वाला है। उनके पास इतना सारा वॉरियर था, मतलब बहुत वो उन लोगों के पास वो बिलीफ सिस्टम भी था कि हम लोग इसको जीत जाएंगे, सब कुछ था। एक्शन भी बहुत तरीके से किया उन्होंने, प्लानिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से किया, इतना सारा सोल्जर्स अपने तरफ इकट्ठा कर लिया, सब कुछ बढ़िया तरीके से किया। हर रोज 18 दिन का हर रोज का प्लानिंग ओवरऑल करते थे कैसे कैसे युद्ध करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होते हुए अगर उनके पास वो मेंटर ना होता श्री कृष्णा, तो क्या वो कौरव से युद्ध जीत पाते? शायद नहीं, क्योंकि कौरव के पास बहुत ज्यादा वॉरियर था कंपेयर टू पांडवास, उनके पास बहुत ज्यादा संख्या में सैन्य बल था, तो फिर उनके पास शायद वो नहीं हो पाता। लेकिन सिर्फ एक मेंटर होने से ही उनके पास वो जीत आ जाती है, सिर्फ एक मेंटर। और सिर्फ मेंटर होने से भी नहीं चलेगा, अभी मैं एक दो लाइन और बोलना चाहूंगा। पहला तो है वो सबमिट योरसेल्फ। देखिए कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले भीम की जो पौत्र थे, मतलब बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र था, उनका वध कर दिया था। अब जरा सोचिए, मेरे ही नाती को कोई मार दे और मैं उसको मेंटर मान लू, तो कितना सबमिशन होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन उन्होंने किया था, और इतना सबमिशन था तभी जाकर के उनके पास वो जीत आ सकी है। और नेक्स्ट जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया, इनोसेंट फेथ मेंटर की तरफ रहना चाहिए। इनोसेंट फेथ में मैं एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूंगा हम लोग, वो भी पुराण में ही आता है, विष्णु पुराण में आता है। ध्रुव तारा का नाम हम सब ने सुना है, ध्रुव का स्टोरी है छोटा सा। वो क्या किया था, उनको मोक्ष मिल श्री विष्णु जी का दर्शन मिल गया था करीब 5 या 7 साल की उम्र में। उन्होंने कभी जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ गया था, लेकिन उनका जो स्टेप मदर थे उन्होंने उनको मतलब बुरी तरीके से मतलब निकल दिया वहां से, और वो रोते भी लगते चला गया अपनी मम्मी के पास जाके, सारा बोला मुझे पापा की गोद में खेलने नहीं दिया वगैरह वगैरह। तो मम्मी ने कहा कि आपका जो पापा है ना, उनसे भी बड़ा एक पापा है जो सबकी पापा है, तो आप उनकी आराधना करो, आप उनके गोद में जाके बैठ सकते हो। वो छोटा सा नन्ना सा बालक 5 साल का, उनके पास कोई लॉजिक नहीं था, उनके पास कोई मतलब ड्रीम वगैरह कुछ नहीं था, सब इनोसेंट फेथ था अपने माँ के ऊपर कि मम्मी ने बताया तो सही बताया होगा और मुझे विष्णु जी मिल सकता है। रात के अंधेरे में घर से निकल जाता है, जंगल में जाता है, बहुत सारा चैलेंजेस को सामने आता है, वो सब कुछ पार कर जाता है, बस सिर्फ उस इनोसेंट फेथ के चलते, मम्मी ने बोला है तो मुझे मिल जाएगा।
और उसके पास वो स्ट्रॉन्ग ड्रीम भी था कि मुझे बैठना है विष्णु जी के गोद में, विष्णु जी के साथ मुझे मिलना है। और इन दोनों के चलते वो सारा जो चैलेंजेस है वो उसको ओवरकम किया और उनको नारद जी मिल गए, उनको मंत्र दिया, बाकी तो स्टोरी है। फिर विष्णु जी आ गए, उनको सारा ज्ञान दे दिया, उनको मोक्ष दे दिया। लेकिन सिर्फ ये सब कुछ पॉसिबल इसलिए हुआ था कि क्योंकि उनके पास, उस ध्रुव के पास वो इनोसेंट फेथ था। तो हम लोगों को भी चाहिए, जिसको हम लोग एज ए मेंटर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने से पहले सोच लीजिए किसको मेंटर करना है। एक बार जिसको, अगर किसी को आपने मेंटर बना लिया तो फिर कोई डाउट नहीं, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं, जो मेंटर बोलेगा वो हमें करना चाहिए। उनके ऊपर इनोसेंट फेथ, क्योंकि इस बिजनेस को करते हुए बहुत सी चीज आएगी जिसको हम लोग लॉजिकली अगर सोचेंगे तो वो मैच नहीं करेगा, वो लगेगा ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपके मेंटर आपको बोल रहा है तो उसको बिलीव कर लीजिए, उसको उसके ऊपर फेथ रखिए और आगे बढ़ते जाइए। सो थैंक यू, यही था मेरा यहाँ तक। थैंक्स एंड ओवर टू होस्ट। ओह एक्सेलेंट।